हेलो, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में थोड़ा बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे, उसके बाद आपको वीडियो से पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी आपकी गवर्नमेंट ने जो है 30% यानी 30% सिलेबस को कम किया है, जिसमें से आपका जो चैप्टर 2 था जंतुओं तथा पौधों में समन्वय, इसके कुछ टॉपिक्स मैंने भी आपको करवाए हैं, जैसे प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप। तो ये जो दूसरा चैप्टर था ये आपके सिलेबस से अब हटा दिया गया है, इसलिए अब इस दूसरे चैप्टर को नहीं पढ़ना है और ना ही लर्न करना है, क्योंकि इस चैप्टर से अब बोर्ड के एग्ज़ाम में किसी प्रकार के कोई प्रश्न नहीं आएंगे, तो बेवजह अनावश्यक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग ध्यान देना कि जो चैप्टर फर्स्ट था आपका बायोलॉजी में जैवप्रक्रम, यानी जो पहला पार्ट था, वो पूरा पार्ट अभी है आपके सिलेबस में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका दूसरा पार्ट था वो पूरा हटाया गया है, उसके कई सारे टॉपिक्स हमने भी करवाए हैं आपको, तो वो टॉपिक्स दूसरे पार्ट के मैच कर लेना अपनी किताब से और स्किप कर देना उनको, फिर कॉपी पे अब नोट मत करना, या नोट किए हो तो उन्हें पढ़े रहना, यानी काटना भी नहीं है अगर नोट किए हो, क्योंकि नोट हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। अब हम आगे उसी क्रम में अगला चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है इस समय रखा गया है, लेसन 3 पौधों एवं जंतुओं में जनन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रजनन, जो हमारी किताब में प्रजनन के नाम से दिया है, और पाठ का नाम यही है आपका, पौधों एवं जंतुओं में जनन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो जनन है, रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम चैप्टर 3 का पहला टॉपिक जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होती है, उसको समझते हैं। तो देखिए क्या है, जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है, अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए अपने जैसे जीवों को पैदा करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे उत्सर्जन, पाचन, श्वसन और जनन। तो जनन जो है जैविक क्रियाओं में ही शामिल है, क्योंकि मनुष्य के या जीवधारियों के शरीर के अंदर उपस्थित है, ये आंतरिक क्रिया है और शरीर के उपस्थित आंतरिक अंगों के द्वारा संपादित होती है, और हर एक जीवित जीवधारी का अनिवार्य लक्षण है, यानी जो भी जीवित जीवधारी है उसमें जनन की क्षमता होती है, और वो अपने जैसी संतानें, यानी आपके चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट हुए हैं, यानी आपके वनस्पति शास्त्री, उन्होंने बताया है कि अपनी जैसी संतति को पैदा करने की हर एक जीव में अपार क्षमता होती है। तो वही पहला पॉइंट है कि जनन सभी जीवों का अनिवार्य लक्षण है, यानी जो जीव हैं उनमें जनन जैसी क्रिया करने का ये लक्षण उपस्थित होता है, और वो जीव क्या करते हैं, अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी जो जीव जिस जाति से संबंधित है, जिस वंश से संबंधित है, उस अपने वंश यानी अपनी जाति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी वंशावली को आगे ले जाने के लिए उसको जनन करना आवश्यक होता है, और वो जीव अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए ही जनन की क्रिया करते हैं। जैसे कि हम यहाँ तक आए, यानी हमारी वंशावली में जो हमारे पितृज रहे होंगे उन्होंने जनन की क्रिया की होगी, जिसके कारण हमारे माता पिता हमारे पूर्वजों से उत्पन्न हुए और हम माता पिता से हम उत्पन्न हुए, ऐसे ही हमारी वंशावली आगे बढ़ेगी तो हमें भी जनन की क्रिया को आगे बढ़ाना होगा, निरंतर रखना होगा, यानी जारी रखना होगा। तो वही एक लाइन में बताया गया है कि अपनी जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी जो प्राणी जो जीव जिस जाति से है उस जाति को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जैसी संतति को जन्म देता है, अपनी जैसी संतति उत्पन्न करता है, तो अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है
उसको जनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी जनन या रिप्रोडक्शन कहा जाता है, यानी कि जनन की क्रिया के द्वारा ही कोई भी जीव अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करता है या जन्म देता है। आपसे ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आएगा, क्योंकि जब हम जनन की बात करेंगे मनुष्य में, पादपों में, तब वहाँ पर डिटेल में जनन के टाइप, जनन के प्रकार, जनन का महत्व, जनन अंग सभी के बारे में पढ़ेंगे। यह आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, जीव जनन क्यों करते हैं। तो जीवों को अपनी वंशावली, अपनी जाति वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन आवश्यक है। जीव जनन अपनी वंशावली को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और क्यों करते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक लक्षणों को आगे ले जाने के लिए, अपने जैसे जीवों की संख्या में वृद्धि करने के लिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनन किसे कहते हैं, जनन जीव जनन क्यों करते हैं, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जाता है। तो जनन आपको समझ में आया होगा। आगे जनन का जीवों के जीवन में महत्व, यानी जनन का क्या इम्पोर्टेंस है जीवों के महत्व, जीवों की लाइफ में, यानी जीव अपने लाइफ में जनन का क्या महत्व स्थापित करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंस है, वो क्यों जनन करते हैं। तो पहले भी एक लाइन ऊपर पढ़ चुके हो कि ये अपनी वंश परंपरा को, अपनी वंशावली को निरंतर बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। तो उसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंस और पॉइंट्स हैं। जनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं, यानी जो भी जीव हैं, देखिए जो जिस प्रजाति का है, जैसे कोई चतुष्पादी स्तनधारी है, यानी चार पैरों से गमन करने वाला, गाय भैंस बकरी, तो क्या करता है, अगर गाय है तो अपनी जैसी संतति को जन्म देती है, बकरी अपनी जैसी संतति को जन्म देती है। इसी प्रकार से पक्षी और स्तनधारी दोनों के बीच रखा जाने वाला चमगादड़, जो पक्षी और स्तनधारी दोनों के बीच की कड़ी है चमगादड़, क्योंकि चमगादड़ उड़ता है, पक्षियों जैसे पंख होते हैं और स्तनियों जैसे उसकी मादाओं में जो है स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, यानी चमगादड़ की जो मादा हैं वो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, और अपने यानी वो अंडे नहीं रखती हैं, वो बच्चों को जन्मती हैं और बच्चों को स्तनपान भी कराती हैं। इसलिए चमगादड़ पक्षी और स्तनधारियों दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो देखा, चमगादड़ है तो चमगादड़ अपनी जैसी ही जातियों को जन्म देता है, और क्या होता है कि वो अपने जनन के द्वारा अपनी जैसी संतति को जन्म देते हैं, जिसके कारण उनकी संततियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, उनकी संख्या बढ़ती है। आगे अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, यानी जीव जो है अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने से तात्पर्य है कि अगर वो अपनी जैसी संतति को जन्म देना बंद कर देंगे तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि उनकी जाति संकट में हो जाएगी, यानी उनकी जाति जो है विलुप्त हो जाएगी। कई प्रकार के ऐसे हमारे जीव हैं जो संकटापन्न जातियों में रखे गए हैं इस समय, और उनके बारे में जो है हमारे जो भारत सरकार है वो विशेष तौर पर जो है रख रखाव व देखभाल कर रही है, अलग से उसका बजट पास कर रही है। तो उसी प्रकार से अगर वो जीव अपनी जैसी संतति को जन्म नहीं देंगे या देना बंद कर देंगे तो क्या होगा कि उनकी जो जाति है वो किसी न किसी दिन पूर्णतया समाप्त होने की कगार पर आ जाएगी। जैसे इस समय रेड पांडा, लाल पांडा जो है वो विलुप्त की स्थिति में है, डोडो पक्षी, मॉरिशस का एक डोडो पक्षी, वो भी विलुप्त की स्थिति में है, क्योंकि उसके सारी जो जीव थे वो समाप्त हो गए हैं, और एक जीव जो बचा हुआ था वो भी नर था, मादा नहीं था, यानी वो भी जीव को, क्योंकि जब आपको पता है नर और मादा दो उपस्थिति होंगी तभी जन्म होगा किसी संतति का, किसी जीव का, तो जिसके कारण वो डोडो जो है आज विलुप्त की कंगार पर है, विलुप्त की स्थिति में है, यानी विलुप्त ही हो गया है। तो अगर कोई जीव अपनी जाति की निरंतरता नहीं बनाएगा तो उसकी जाति समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट, जनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं। सबसे पहले तो आनुवंशिक लक्षण क्या होते हैं,
और उसके बाद में एक नया शब्द वंशागत, दोनों को क्लियरफाई करेंगे। तो आनुवंशिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो माता पिता के द्वारा संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। जैसे कुछ लक्षण ऐसे हैं जो हम में आए हैं, परंतु वो आए कहाँ से हैं, हमारे पितृजों से, यानी दादा दादी नाना नानी, उसके बाद माता और पिता, माता और पिता से हम में आए हुए हैं। तो इस पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं, आनुवंशिकता या वंशागत। ठीक है, माता पिता से संतानों में जो लक्षण आ रहे हैं, आने की जो क्रिया है, इसे वंशागत कहते हैं, यानी वंश के अनुसार गति करते आ रहे हैं। जैसे जैसे वंश बढ़ रहा है, वैसे वैसे आनुवंशिक लक्षण, माता पिता के पूर्वजों के जो लक्षण हैं वो पीढ़ियों में आ रहे हैं, उन्हें वंशागत कहते हैं। तो जब जनन की क्रिया होती है तो जनन की क्रिया के द्वारा ही माता पिता के लक्षण, पूर्वजों के लक्षण, पितृज पीढ़ियों के लक्षण आने वाली संतति में पहुंचते हैं, स्थानांतरित होते हैं। क्योंकि जीव से जीव की उत्पत्ति हो रही है, और जब जीव अपनी जैसी नई संतति को जन्म दे रहा है, तो उस जीव में जो आनुवंशिक लक्षण उपस्थित थे वो नई संतति में स्थानांतरित हो रहे हैं। तो जनन ही एक ऐसी क्रिया है जिसके कारण आनुवंशिक लक्षण जो है अगली पीढ़ी में या संतानों में स्थानांतरित होते हैं। जनन से संतानों में कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं, ये विभिन्नताएं जैविक विकास का आधार होती हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे आनुवंशिक लक्षणों की और कुछ विभिन्नताएं भी, तो दोनों अब यहाँ पर कन्फ्यूजन कर रहे हैं। आनुवंशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो माता पिता में लिंग पर आधारित होते हैं, या माता पिता के खुद उनके पूर्वज से, यानी उन्होंने स्वयं अपने पूर्वजों से प्राप्त किए हैं, और माता पिता के कुछ विशेष लक्षण जो हमने प्राप्त किए हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, वो भी जनन के द्वारा आते हैं। और विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं, वेरिएशन, अंतर भी आ जाता है, यानी अंतर भी आ जाता है, कुछ अंतर। जैसे माता पिता, अब हम सामान्य उदाहरण ले लेते हैं, जैसे माता पिता के रंग का उदाहरण ले लेते हैं, माता और पिता दोनों का रंग जो है वो साफ है, परंतु जो संतति उत्पन्न हुई है उसमें रंग जो है साफ नहीं है, यानी डार्क रंग है। तो ये क्या हुआ, माता पिता से संतति में विभिन्नता आ गई। माता पिता की जो लंबाई है, अगर हम लंबाई के लक्षण की बात करें तो कम है, परंतु जो संतति उत्पन्न हुई है उसमें लंबाई का विकास अधिक हुआ है। तो लंबाई का अधिक विकास निर्भर करता है उसके वातावरण पर, उसके पोषण पर, उसकी देखभाल पर, कई सारे ऐसे कारक हैं जिसके कारण उस संतति में जो है उसका पोषण सही से हुआ, उसका देखभाल सही से हुआ, ट्रीटमेंट केयर सही से हुई, उसको हेल्दी इन्वायरमेंट मिला, स्वस्थ वातावरण मिला, जिसके कारण बालक का विकास समुचित रूप से हुआ। और ये भी क्या है, जनन से संतानों में, यानी जनन के समय से ही, जब से वो बालक माँ के गर्भ में आया तभी से उसमें जो है इस प्रकार के जो है उसके साथ देखभाल की गई, उसका इम्प्रूवमेंट उसके पोषण पर आधारित हुआ, उसकी केयर प्लान पर आधारित हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, बालक में विभिन्नताएं आई और जैविक विकास का आधार बना। यानी जब माता पिता से विपरीत लक्षण, भिन्न लक्षण संतानों में जन्म लेते हैं, संतानों में उत्पन्न होते हैं, तो पूर्वज की पीढ़ी से संतति में जैव विकास तो हुआ, जैविक लक्षणों में विकास हुआ, जिसके कारण संतति माता पिता से भिन्न हुई। इसके बाद विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। स्पीसीज को हिंदी में जातियां कहते हैं। तो जो विभिन्नताएं हैं, यानी जो जीवों में अंतर हैं, जो जीवों में जो अंतर हैं, वो अंतर जातियों की उत्तर जीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। यानी जो नई जातियां उत्पन्न हो रही हैं, जो नया जीव विकास उत्पन्न हो रहा है, जैव विकास हो रहा है, जिससे संत यानी जो स्पीसीज है उसमें विकास संभव हो रहा है, और वो लगातार विकास संभव हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं जनन के द्वारा हो रही हैं। जनन क्या है, जनन से जीवों में क्या महत्व है, तो दोनों ही आज की इस वीडियो में क्लियर हो गए। तो आप
आज नया पार्ट शुरू हुआ है, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इसलिए आप नया पार्ट डाल करके इसको फेयर करोगे।